सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स। ये बेसिकली यूनिवर्सल हेडरेस्ट टाइप की फिटिंग वाली है, ये रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स आती हैं। ये मैंने अभी इस वाली कार में लगा रखी है, यूनिवर्सल होती हैं, किसी भी कार में लगा सकते हो। बस कंडीशन ये होती है कि आपको आफ्टर मार्केट स्टीरियो चाहिए होता है, जैसे मैंने वहाँ पर लगा रखा है। आफ्टर मार्केट स्टीरियो है जो कंपनी फिटेड स्टीरियोज होते हैं उसमें फिट नहीं हो पाती है, तो क्योंकि उनमें RC इनपुट चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो टाइप की स्क्रीन्स हैं ये थोड़ी सी अब आउटडेट हो चुकी हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली ये वाली स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन जो सामने वाली स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ये उन्हीं को डिस्प्ले कर देती हैं बस, इसमें और कोई फंक्शन है नहीं। जो नई वाली स्क्रीन्स आती हैं वो एक तो फुल HD आने लग गई हैं आजकल, बड़े बड़े पैनल्स फुल HD आते हैं, और आप उनमें इंडिविजुअली माइक्रो SD कार्ड या फिर MP3 कनेक्ट करके और अपने खुद के ही ईयरफोन्स को कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ कोई अलग देख सकता है, आगे कोई अलग देख सकता है, पीछे यहाँ पे कोई अलग देख सकता है, पर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ आगे जो प्ले होगा आप उसी को यहाँ पे पीछे वाली स्क्रीन्स पे आप उनको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी उस टाइम मतलब जो थोड़ी सी इससे पहले जो थोड़ा आउटडेट हो गई है, पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली है। ये पैनासोनिक की आती हैं, इसमें काफ़ी नॉन ब्रांडेड भी और लोकल ब्रांड्स की भी काफ़ी आती है, पर ये थोड़ी सी उस टाइम थोड़ी एक्सपेंसिव आती थी, पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और ये अच्छी चल जाती हैं। और स्पेसिफिकली इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये कवर भी हो जाती हैं ऐसे, तो अगर आप इनको यहाँ से चेन अप कर दोगे तो ऐसे मतलब थेफ्ट की भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उस टाइम ये भी थोड़ा इशू हुआ करता था। और अगर बात करें इनकी तो ये सिंपल इनका इंटरफेस है, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये V1 V2 बेसिकली है कि वीडियो 1 और वीडियो 2 के बीच में अगर आपको स्विच करना हो, क्योंकि इसमें दो इनपुट्स हैं, जैसे V1 पे सिलेक्ट कर रखा है मैंने आगे से कि जो आगे वाले पे डिस्प्ले होगा, और V2 अभी मेरे पास पोर्ट खाली है, तो मेरे पास कोई भी अगर एक्सेसरी ऐसी होगी जो VGA इनपुट दे इसमें तो वो कंसिडर हो जाएगी। ये बेसिकली मोड्स हैं अलग अलग आपको सेटिंग करने के लिए। ये आपको अगर टिल्ट करनी है स्क्रीन उसके लिए पावर ऑन ऑफ, पावर इसको ऑन कर देते हैं। ये प्लस माइनस चाहे वॉल्यूम के लिए हो, चाहे आपका ब्राइटनेस के लिए हो, ये सब सेटिंग्स में करने के लिए, और ये बेसिकली मेन्यू आ गया। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आगे वाली स्क्रीन पे एक मैंने वीडियो प्ले कर रखी है, तो ये देखो ये दोनों स्क्रीन्स पे वही वीडियो आ गई। अब ये बेसिकली वीडियो का फॉर्मेट आपको MP4 चाहिए होगा, किसी भी MP4 फाइल को आप इसमें डाल दो, अपनी पेन ड्राइव में या SD कार्ड में या आपका स्टीरियो जो भी सपोर्ट करे उसमें आप डाल सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग भी हो जाती है, स्क्रीन मिरर, जैसे मैं इस फोन की स्क्रीन को अगर उस पर मिरर करूंगा तो वो भी पीछे आ जाएगी, आप देख सकते हैं उसके थ्रू मूवीज वगैरह। अब जैसे कि वहां पे वो वीडियो मैंने कर दी, तो आप यहां से देख सकते हैं ये V1 V2 का भी हमको इससे बता रहा था, अब ये सेकंड वाला आ गया। अगर आपको ये रिमाइंड करेगा आपको पुरानी टीवीज का, पुरानी टीवीज में ऐसे ही होता था, तो ये उस टाइप से है। पैनासोनिक की ये स्क्रीन है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया। रिमोट को भी एक्सेप्ट करती है, जैसे कि पीछे बैठ के अगर आप रिमोट्स भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ऑडियो है, आप पूछो कि ऑडियो, तो इसमें कोई ऑडियो जैक है नहीं, तो इनका जो भी ऑडियो प्ले होता है वो आगे से ही होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ये, तो ऑडियो उसमें से चलेगा जो स्पीकर्स में आ जाएगा गाड़ी के, और वीडियो आपको ये प्ले करके दिखा देंगे। अब जैसे कि मैं जाके यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने म्यूजिक बंद कर रखा नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये वीडियोस दोनों में इसमें स्टार्ट हो गई। अब आप यहाँ पे जाके थोड़ी बहुत इसमें ये जैसे मैं बताता था ये जूम वगैरह आप इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो कर रखा है। और मेन्यू में जाने के बाद अब जैसे ब्राइटनेस, फिर कॉन्ट्रास्ट, कलर, अब लैंग्वेज, मिरर करना मतलब कौन सी साइड है, लेफ्ट है, राइट या राइट है, और उसको रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ ही स्क्रीन्स हैं, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस इनकी। अभी तो एकदम डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, नहीं तो अगर रात को करोगे तो एक बहुत अच्छा सीमलेस एक्सपीरियंस आता है यहाँ पे देखने का। और बेस्ट पार्ट तो ये है ही कि इसको आप कवर भी कर सकते हो, जब यूज़ नहीं करे तब इनको कवर कर दो। और स्टीरियो टू स्टीरियो डिपेंड भी करता है। एक चीज़ और है कि स्टीरियो में मैं चाह के इनको ऑफ भी कर सकता हूँ, कि वहीं से इसको ऑफ कर दूँ और वहीं से इनको ऑन कर दूँ, तो वो भी इसमें एक ऑप्शन है, पर वो डिपेंड करता है कि स्टीरियो पे। ये वाली स्क्रीन अब अभी भी मिलती हैं, पर अभी तो इससे बेटर वाली स्क्रीन आने लग गई जिसमें फुल HD वाली होती हैं, जो काफ़ी बड़ा पैनल आता है और इंडिविजुअल आते हैं, क्योंकि आप चाहोगे नहीं कि कोई जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो भी डिस्टर्ब हो वीडियो से या फिर ऑडियो से, तो इसलिए आजकल वो अलग टाइप की भी आने लग गई हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सा वीडियो था, शॉर्ट एंड स्वीट। एक मेरे को पूछा था जब मैंने इस इनोवा का जब मैंने रिव्यू बनाया था तब उसमें मैंने स्क्रीन से दिखाई थी, तो एक दो लोगों का कमेंट आया था कि ये स्क्रीन्स पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, तो ये मैंने आपके लिए वीडियो इसमें बना दी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।